तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आपने कोई इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्या होगा इस टाइप का कुछ ब्लू टिक देखा होगा, जो कि इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम होता है यूज़र नेम के बगल में आपको ब्लू टिक दिखाई मिलती है, तो वो कैसे मिल सकती है और वो किस किस को मिल सकती है, आज इसी बात पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और कैसे आपको वो आसान तरीके से मिल सकती है, आप भी ब्लू टिक का हकदार हो सकते हो, ये सारी चीज़ हम लोग बात करने लगे इस वीडियो पे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उसके पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक्निटिक के एक और नए फ्रेश वीडियो में। ब्लू बैज या ब्लू टिक जो भी बोलते हो उसको मिलने के लिए पहले मैं दो तीन चीज़ आपको बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम का कुछ क्राइटेरिया होती है, जब तक आप उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करोगे तब तक आपको ये बैज नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, क्राइटेरिया पूरा होने के बाद भी आप देखते हो बहुत सारे जो इंस्टाग्रामर उनको क्या होती है बैज नहीं मिलती है, तो वो क्यों नहीं मिलती उसका मेन रीज़न यही है, उसी का मेन रीज़न मैं आज यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आपको एक क्या होती है इंस्टाग्राम की तरफ से एक फॉर्म फिलअप करना होता है, जब तक आप वो फॉर्म फिलअप नहीं करते हो तब तक क्या होती है आपकी जो बैज है वो बैज आपको नहीं मिलती है। साथ ही साथ आपको इसमें कुछ आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको देनी होती है, उसके बाद ही आज आपको इंस्टाग्राम की बैज होती है ब्लू टिक वाली वो आपको देखने को मिलेगी। और जैसे कि ये होता है, जैसे मान के चलिए यूट्यूब से अगर कुछ रिवार्ड आता है, जैसे मान के चलिए आपका 100 के फॉलोअर सब्सक्राइबर हो गया यूट्यूब पे, उसके बाद अगर जैसे रिवार्ड आता है सिल्वर प्ले बटन, तो वो भी होता है जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करोगे तब तक नहीं आता है। सिंपली बात वैसे इंस्टाग्राम का भी है, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो ब्लू टिक आपको नहीं होगी। तो मैं आज इस वीडियो में आपको उसी अप्लाई करने के बारे में सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको वो अप्लाई करना है, अगर आप एलिजिबल हो चुके हो, अगर आपका 100 के फॉलोअर्स हो चुका है इंस्टाग्राम पे कंप्लीट, तो कैसे आपको ब्लू टिक मिल सकता है, कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम लोग मोबाइल स्क्रीन की और कैसे उस चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको ओपन कर लिया है। इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करने के बाद आपको सिंपली सेटिंग पे जाना है। तो यहाँ पर देखिए आप थ्री लाइन दिखाई मिल रहा है, सिंपली थ्री लाइन पर क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको जो सेटिंग ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको आ जाना अपने अकाउंट पर। देखिए आप यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन शो हो रही है, आपको अकाउंट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलती है रिक्वेस्ट वेरीफिकेशन। ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगी, उस फॉर्म को सिंपली आपको भर देना है। यहाँ पर क्या होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो रिक्वेस्ट बैज होती है वो बैज आपको जब तक आप इस चीज़ को नहीं भरोगे तब तक आपको वो बैज नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन इसके लिए आपके पास फॉलोअर होने चाहिए, कम से कम 100 के फॉलोअर होने चाहिए, यानी कि 1,00,000 फॉलोअर होने चाहिए, तो आसानी से आप हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि आपको रिक्वेस्ट बैज या रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कर, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप रिक्वेस्ट कर दोगे तो आपको वेरिफिकेशन बैज मिल ही जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी आप इंस्टाग्राम के जो भी क्राइटेरिया, अगर जब तक उसको आप पूरा नहीं करोगे तब तक फिर आपको रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन बैज नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि यूज़र नेम, जो भी आपका यूज़र नेम भर देना है, आपका जो फुल नेम है वो भर देना है, नोन एज, यानी कि आपका मान के चलिए यहाँ पर कुछ चैनल नाम है तो चैनल नाम यहाँ पर दे देना है। और यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज कर लेना है आपका कौन सा कैटेगरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर होगा तो मैं ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर पे कर दूंगा, आपको अदर में है तो आप अदर पे सेलेक्ट कीजिएगा। वहाँ पर करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन आता है, प्लीज अटैच ए फोटो ऑफ योर आईडी। यहाँ पर आपको आईडी का फोटो लिखाना है, जिसमें लिख दिया वी रिक्वायर ए गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी, जो भी गवर्नमेंट का इशू होना चाहिए, उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ आपका सही सही होना चाहिए। अब वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है ड्राइवर लाइसेंस हो सकती है, पासपोर्ट हो सकती है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो सकती है, ऑफिशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हो सकती है, कुछ भी ये सारी चीज़ हो सकती है। आप कोई भी यहाँ पर अपलोड करके यहाँ पर आपको सिंपली सेंड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक करोगे तो इंस्टाग्राम जो आपको वेरीफाई करेगी कि आप ही हो कि नहीं हो, तो वो जब फाइनली वेरीफाई हो जाएगी कि वो आप ही हो, उसके बाद क्या होगी, अगर आपको देखेगी आपने अगर इंस्टाग्राम का जो क्राइटेरिया है बैज लेने के लिए, वो क्राइटेरिया भी अगर पूरा कर दिया तो फिर क्या होगी, वो जो आपका ब्लू टिक है वो ब्लू टिक यहाँ से आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ, आपको रिक्वेस्ट पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको फिर ब्लू टिक देखने को मिलेगी। तो देखा आपने, ये था तरीका जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ब्लू टिक को ले सकते हो अपने अकाउंट पे, बशर्ते जैसे मैंने पहले भी कहा आपका क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। अब उसका मतलब वो नहीं कि जैसे मैंने वहाँ भी कह दिया था, ये मतलब नहीं है कि आपको ब्लू टिक तुरंत मिल जाएगा जैसे अप्लाई करते हो, ऐसे ही ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको कुछ सीखने को मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इसी तरह को ऑसम कॉन्टेंट में बर्थडे प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।